अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा में मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्ज़ा। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। जितने हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनसे हम गपशप कर रहे हैं और उन्हें क्या पसंद है, वो क्या सोचते हैं, वो सब आप तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक बहुत अच्छी कुलीग, दोस्त, आर्टिस्ट, मॉडल, बहुत कुछ कर चुकी हैं फील्ड में मीडिया के हवाले से। अब आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें और देखेंगे उन्हें क्या पसंद है, वो क्या सोचती हैं फील्ड के बारे में, उनके क्या ख्याल आते हैं। आपको मिलवाते हैं अपनी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट कमल खान से। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू आज आप आई हमारे शो में। थैंक यू। बहुत अरसे से व्यूअर्स हम टाइम ले रहे थे कमल से, बिजी थी अपनी रिकॉर्डिंग्स में, आज भी ये कहीं रिकॉर्डिंग पे जा रही थी तो फिर ये स्पेशल टाइम निकाल के आई हैं। बहुत शुक्रिया कमल। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है काम शाम, क्या हो रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा, कम कर रही हूँ। काफ़ी अरसे से काम बहुत कम किया हुआ है मैंने और बस ये है कि जितना चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है और माशाल्लाह काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि कहते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, काम घर बैठे हुए हैं, ये क्या वजह है? कुछ लोगों के लिए वाकई काम बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने काफ़ी लंबा गैप लिया है, तो डेफिनेटली जब आप इतने सालों का गैप, 3-4 साल का गैप, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गैप होता है। एग्जैक्टली। आप 6 महीने भी गायब होते हैं, 1 महीने भी, 2 महीने भी गायब होते हैं, तो आँख ओझल, पहाड़ ओझल वाली बात होती है। तो मेरे लिए तो इसलिए भी टफ हो रहा है बिकॉज अब बहुत ज़्यादा लोग अचानक से आना शुरू हो गए हैं। अगर आप आर्टिस्ट ले लें, चैनल्स भी, प्रोडक्शन हाउसेस भी, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और डेफिनेटली आप उतने सारे लोगों को जानते नहीं हैं। हमने जिन लोगों के साथ काम किया है बहुत सारे लोग अब काम ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं और कहीं ना कहीं कुछ लॉबी का भी हिस्सा होती हैं चीज़ें, कुछ फेवरेटिज्म भी होता है और कुछ जगहों पर आपको पसंद किया जाता है, कुछ जगहों पर आपको पसंद नहीं किया जाता है, वो उनके अपने रीजंस हैं, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप फेवरेट ना हो किसी की, ये भी नहीं हो सकता। आप लॉबी का हिस्सा नहीं है या हैं ये मुझे पता नहीं है। सो मेरा ख्याल है आप जैसी काम करने वाली अच्छे एक्ट्रेस को मतलब बिजी रहना चाहिए हर वक्त। हाँ बिल्कुल, बिजी रहना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि जो कास्ट कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली उन पर भी डिपेंड करता है। और कुछ मेरी अपनी भी चीज़ें हैं, पहले आप बहुत सारा काम कर लिया करते थे, मैंने आफ्टर माय बेबी आई टुक अ गैप, तो उसके बाद अब ये होता क्या है कि मैं उतना टाइम अब नहीं दे सकती। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं की मसूर, हाँ अब मैं वो काम करती हूँ जो अच्छा होता है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। सिलेक्टिव हो गई। हाँ मैं सिलेक्टिव हो गई, ये चीज़ है। तो अभी रिसेंट कोई आपका कोई प्रोजेक्ट कुछ? अभी रिसेंटली मेरे एक सिटकॉम की शूट चल रही है। ओके। और अभी उसकी शूट ही चल रही है, अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ है। कमल ये बताएं, हमारे व्यूवर्स आपको देखते रहते हैं डिफरेंट अंदाज में, कभी होस्टिंग में, कभी एक्टिंग में, तो आपने कब से शुरू किया इस फील्ड में और कैसे आना हुआ? मैंने स्टार्ट किया था 2003 में और मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर चाहें तो एक म्यूज़िक वीडियो हो रहा है उसमें अगर आप एक्टिंग या मॉडलिंग शॉटिंग करना चाहें तो। तो खैर परमिशन वगैरह का तो उस टाइम इतना कोई सीन ही नहीं था, तो बहरहाल मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपना जो पहला प्ले किया था वो मैंने किया था ए सुलेमान साहब का। ओके। बल्कि उससे पहले नहीं, मैंने इंडस से शुरू किया था, मेरा नाम है मोहब्बत। 2001-2 की बात कर, मैं 2003 की बात कर। ओके। 2003। और मैंने पहला काम किया था शहूद अलवी की डायरेक्शन। ओके। मेरा नाम है मोहब्बत। ओके। तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ? जी वहाँ से। तो उसके बाद फिर आपने चैनल में भी जॉब की? चैनल में तो मैंने बहुत बाद में, मैंने चैनल में जॉब की है 2016 में। फिर मैंने चैनल, मैंने पहले एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब की, फिर मैंने एक चैनल में जॉब की। क्योंकि लास्ट आपकी मेरी जो मुलाकात हुई थी वो एक प्राइवेट चैनल में आप हेड कर रही थी, तो क्या छोड़ दिया आपने? जी वो मैंने छोड़ दिया, मैंने एक्चुअली पहले अपनी एक प्रोडक्शन छोटी सी स्टार्ट की थी जो कि मेरी अपनी पर्सनल ही थी। उसके बाद मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस थी प्रोडक्शन हाउस की, फिर मैंने जब चैनल में काम किया तो वो डिपार्टमेंट ही एक्चुअली बंद हो गया, तो वहाँ मैं कास्टिंग डायरेक्टर और प्लानर भी थी। चूँकि इतना लंबा अरसा फील्ड में गुजरा और मुझे शौक भी है प्रोडक्शंस करने का या टेक्निकल साइड पर चीज़ों को देखने का, तो इसलिए मैंने जॉब किया कि वो मेरे लिए मजीद मेरे काम में एक्सपीरियंस हो जाए। तो कभी प्रोडक्शन की तरफ नहीं आना हुआ?
नहीं, मैंने स्टार्ट में की थी, कुछ टेलीफिल्म्स वगैरह प्रोड्यूस की हैं मैंने, अभी उसके बाद नहीं, लेकिन अभी मेरा फ्यूचर में डेफिनेटली प्लान है अपनी प्रोडक्शंस का, बिल्कुल है। कमल ये बताएं कि आजकल जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं स्क्रीन पे, मेल फीमेल, उनमें आप क्या समझती हैं कि हमारा जो अभी नई लॉट आई है कितने सक्सेसफुल हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, या ज़्यादातर आपको नज़र आता है नहीं यार ये कास्टिंग ठीक नहीं है, फसली बटेरे हैं, वो फसली बटेरे में कहना नहीं चाह रहा था, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ठीक है अप टू द मार्क, अप टू द लेवल काम हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए पहले भी ऐसे ही होता था और अब भी ऐसे, ऐसा नहीं कहूँगी कि नए आने वालों में सब बहुत बुरे हैं या अप टू द मार्क नहीं है। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनमें वो चीज़ें हैं जो उनको फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकती हैं और वो कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि बस सही है, ये अभी हैं और अभी कुछ अरसे में नहीं होंगे, बस सही है। हाँ ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रेशियो अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स का कम है और बस चलने फिरने वाले एक्टर्स का ज़्यादा है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, कुछ हमारे एरा के भी हैं, कुछ हमारे से सीनियर हैं और जिनसे मेरी मुलाकात भी रहती है अक्सर, एक दो हमारे गेस्ट और भी आए थे उनसे भी ये चीज़ मैंने शेयर की, बात हुई इस पर, अब वो नज़र नहीं आते। अगर मैं उनसे मिलूं, उनके पास जाऊं, कोई कभी गपशप लगे तो वो कहते कोई बुलाता नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आती है, शायद कुछ काम के साथ साथ लोग अब इस चक्कर में भी पड़ गए कि यार कमल को बुला के 50,000 क्यों दें, किसी नए को पकड़ के 10,000 क्यों ना दें। ऐसा भी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो मगर उसमें भी क्वालिटी तो नहीं आती। देखिए क्वालिटी अब मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि अब हो गया सब कुछ बहुत ही कमर्शियल। अब आपके इंस्टा के कितने फॉलोअर्स हैं आपको उस पर ग्रेड किया जाता है, उस पर आपको कास्ट किया जाता है। अगर मेरे फॉलोअर्स डेफिनेटली उतने नहीं है बिकॉज हम लोगों ने हमेशा काम पे फोकस किया है, हमने कभी सोशल मीडिया को उस तरह से देखा ही नहीं था। लेकिन बात यह है कि अब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर काम आप देखें टिकटॉकर्स ही माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है उनके फॉलोअर्स हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होने से आप एक्टर अच्छे हो सकते हैं इस चीज़ की तो गारंटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनको फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि अगर वो होंगे तो डेफिनेटली वो उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरा ख्याल है अगर चीज़ अच्छी हो और हमारी पब्लिक तो एक मिनट में देख के सिलेक्ट और रिजेक्ट कर देती है। हाँ। तो अगर चीज अच्छी होगी तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स देखेंगे और क्यों नहीं देखेंगे। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेटिंग भी मिलेगी। मुझे सुहेल क्राइटेरिया नहीं समझ आया आज तक। एक तरफ ये कहा जाता है कि अच्छे एक्टर्स चाहिए, चीज़ें चाहिए। आप लोगों से नॉर्मली जब आपको ऐसे कहीं मुलाकात होती है और लोग कहते हैं आप तो नजर ही नहीं आ रही हैं, आप तो कहाँ हैं, तो जब वही लोग आपको देखना चाहते हैं तो फिर वो कौन सी आवाम है जिसको टीआरपी के नाम पे ये कहा जाता है कि नहीं ये तो इनको देखना चाहते हैं, ये तो टिकटॉकर्स को देखना चाहते हैं, अब तो इनको देखना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं। तो मुझे ना वो एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ झूठ बोला जा रहा है या वहाँ झूठ बोला जा रहा है, समझ से बाहर है ये बात। लेकिन डेफिनेटली चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं तो इसमें फिर वही फेवरेटिज्म सामने आ गया ना कि फेवरेट है जो फेवरेटिज्म चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ एक बात जो मैं नोटिस करती हूँ, जब भी किसी चैनल पे पुराने एक्टर्स और नए एक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पुराने एक्टर्स की तादाद ज्यादा होती है, उस प्ले का एक अपना ही वजन है। हाँ, वो सबको बहुत डिफरेंट होता है और वो प्ले देखने में मजा आता है। वैसे अब वो चीज़ नज़र नहीं आती जो हम छोटे होते देखा करते थे या हमारे बड़ों ने जो देखा, जब 8 बजे 9 बजे सड़कें वीरान हो जाती थी और एक ही चैनल पीटीवी होता था और पीटीवी के आर्टिस्ट आज भी पुराने या हमारे साथ के कोई भी आ जाएं तो आपकी बात ठीक है कि लोग देखते हैं, एक दफ़ा रुकते हैं, उसमें स्टोरी थी, उसमें एक मतलब ग्रिप थी हर बंदे को अपने काम में, रिहर्सल का बड़ा चक्कर था। हाँ। अब तो वो सीन नहीं है, अब तो बस वो आपको भी पता है कि वो काट के दे दिया जाता है, इतना मास्टर है, ये सोलो है, फिर ये मास्टर है। अभी तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है और इवन लाइंस तक नहीं करता कोई बैठ के सेट पे। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन एक्टर मुझे रिहर्स करने में मजा आता है क्योंकि पक्का जब तक नहीं होगा आपका काम तब तक आपको करने में। और दूसरी बात यह है पीटीवी के टाइम पर एक चैनल था, आज तो ऑप्शन सुहेल इतने सारे हैं हमारे पास, इतने चैनल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा ना व्यूवर भी वो नहीं है। सच्ची जो बात मैं आपको बताऊं, जैसे एक पहले
हमारे बकायदा बैठ के देखने वाले लोग होते थे, वो इंतजार करते थे ड्रामों का, लोगों को नाम से पहचाना जाता था। मगर स्टोरीज भी ऐसी होती थी ना कि वो आपको बिठा लेती थी, टीवी के आगे से हिलते नहीं थे हम। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी उस चीज में थोड़ी सी कमजोरी है। कुछ ड्रामे हैं जिनकी स्टोरी अभी भी बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन डेफिनेटली जब इतने प्लेयर्स चल रहे होंगे तो आप उनमें से चूज तो नहीं कर सकते कि वो कौन सी कहानी होगी। हम जब कान में हमारे कोई आवाज पड़ती है किसी प्ले की कि यार अच्छा बहुत ज्यादा चल रहा है तो चलो देखना चाहिए प्ले। कमल, आज के इस वक्त में और जब से आपने हमने स्ट्रगल शुरू की और आज भी कर ही रहे हैं इंसान सारी, बिल्कुल सही बात है, तो आप क्या समझती हैं कि टैलेंट को बहुत कहा जाता है टीवी पे भी आके, टैलेंट है तो हम ये करेंगे, टैलेंट होना चाहिए, बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, आपसे भी बेहतर होंगे, मुझसे भी बेहतर होंगे, बहुत से जो स्क्रीन पे आ रहे हैं उनसे बेहतर होंगे, बट वो जब प्रोडक्शन हाउसेज में जाते हैं या अपने काम के लिए लोगों से मिलते हैं तो उनको उस तरह से ना इनक्रेज किया जाता है ना सपोर्ट किया जाता है, तो फिर टैलेंट कहाँ है? टैलेंट वाकई ही है या सिर्फ अब फेवरेट है, लॉबी है तो आप टैलेंटेड भी हैं? कुछ लोग देखे चांस देते हैं टैलेंटेड लोगों को, बिल्कुल देते हैं, आज भी देते हैं, उनको मौका देते हैं, मेरे अपनी आंखों के सामने वो एग्जांपल्स मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने वो एक मोनोपोली बनी हुई है, वही फेवरेटिज्म है, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, सामने वाले को दिखाने के लिए कहा जाता है टैलेंट टैलेंट टैलेंट, लेकिन वो सब एक झूठ है, एक बबल है एक्चुअली, कि आप गुड बुक्स में भी रहें लोगों की और आप उनके सामने अच्छे भी रहें, लेकिन जब आप जाते हैं, और सबसे जो सच्ची बात है, जहां आपने पैसे कम देने हैं वहां आपको न्यू फेस चाहिए, न्यू टैलेंट चाहिए, हम चांस देना चाहते हैं। ये एक इतनी अजीब सी लाइन है, एक्चुअली चांस नहीं है, पैसे कम, वो पैसे कम कर रहे हैं आप, तो वो चांस कहाँ हुआ? वो तो आपका अपना बेनिफिट है, तो आप कास्ट कर रहे हैं, ये भी है, मगर चल रहा है, व्यूअर्स तो सब कुछ देखते हैं, हमारी आवाम तो एक मिनट में देख के आपको फैसला कर देती है। सही बात है, सही है। तो अभी आप क्या समझती हैं कि हमारी फील्ड में किस तरह की चीज़ें हैं जिनकी कमी है और जिनको अगर फोकस किया जाए, जिन पे काम किया जाए तो और बेहतरी आ सकती है? हमारी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोगों की बहुत कमी है। हमारी इंडस्ट्री में जो लोगों के हाथों में चीज़ें हैं वो गलत लोगों के हाथों में है। हम इसी गलत लोगों से दोबारा आएंगे। व्यूअर्स एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मेरे भी जहन में बड़ा अच्छा सा एक सवाल आया और एक सवाल हमने लिखा भी हुआ है, वापस आके गलत लोगों से दोबारा स्टार्ट करेंगे, सही जवाब लेने के लिए बात करेंगे हम कमल से, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, सुन रहे हैं आप मजे मजे की बातें, गलत सही पे हमने छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हैं। जी कमल, आप बात कर रही थी कुछ गलत लोग गलत जगहों पे हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग कुछ गलत जगहों पर बैठे हैं और वहीं से वो सारी, अच्छा पता नहीं, अच्छा ये कुछ कौन है, पब्लिक सुनना चाहती है ये कौन है जो कुछ है? वो जो कुछ है उनको पता है, जो कुछ है वो जो कुछ है उनको सबको पता है वो कौन है। बात ये है, एक हमारी हमारी इंडस्ट्री का नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो ऊपर एक बॉस है ना, उसके नीचे जो लोग हैं, जो वो कन्वे करते हैं ऊपर, वो सुन के, मुझे ऐसा लगता है बॉसेस कानों के कच्चे होते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, नॉट इन शोबिज, हमारे किसी भी आप उठा ले सेक्टर, उसमें आपको बॉसेस कानों के कच्चे मेजॉरिटी मिलेंगे, क्योंकि एक उन्होंने अपना बंदा रखा हुआ है जिन्होंने उसको सारी बातें पहुंचानी है। अच्छा, ये हमारी गलत फहमी होती है, उन्होंने एक रखा हुआ है, उन्होंने एक के ऊपर एक रखा जी, होता जी। है, जो मुझे चेक कर रहा है उसको कोई और चेक कर रहा है। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं आपको कोई बात करूंगी, आप आगे करेंगे, डेफिनेटली वो दसवें इंसान के बाद ना वो बात पता नहीं किस एंगल से पहुंचती, बदल जाएगी, बदल जाती है। हमारे यहाँ एक्चुअली ये चीज होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे झूठी तारीफ करने की आदत नहीं है, और मुझे अगर मुझे काम आता है तो मुझे शायद किसी को ये बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे काम आता है, आप देख लें चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ये भी वजह है कि मैं बहुत कम काम करती हूँ या काम मिल बहुत कम रहा होता है। तो आपका बस कहने का मकसद, अगर मैं इसको इसका समरी करें इसको कंक्लूड करें, तो राइट पर्सन इज नॉट ऑन द राइट प्लेस। यस, 100% यही बात है। तो वो उसको जो रॉन्ग है हो रहा है इस वक्त फील्ड में, उसको राइट कैसे कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो कर सकते हैं? वो कभी नहीं होगा, वो मजीद रॉन्ग होगा, वो कभी राइट नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रैक चेंज हो चुका है। हम, आप, मैं, हम सब उस दौर से आए हैं जिन्होंने
चीजों को बदलते हुए देखा है, चैनल्स को अपने सामने आते हुए देखा है, चैनल हमारे सामने आए, ठीक है, चैनल्स की अंदर के लोगों को अपने सामने तब्दील होते देखा है, तो हम भी ये जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और मेरे तो हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि चीजें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें लोगों के हिसाब से चल रही हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास एक पावर होता था, अब वो पावर नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर के पास सेट पे ज्यादा पावर, मेरा ख्याल है मेन पावर होती ही डायरेक्टर के पास थी, थी, ठीक है। अब जो है प्रोड्यूसर कुछ ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गए, प्रोड्यूसर से ज्यादा, मैंने जो सेट पे नोटिस किया है ना सोहेल, वो मैंने देखा है कि एक्टर के पास ज्यादा पावर है हर डिसीजन को लेने की। तो ये कहां चीजें चल पाएंगी, जब कैप्टन ऑफ द शिप के ही हाथ से आप चीजें ले लेंगे और उसके हाथ में वो चीजें, उसको अगर सिर्फ एक्शन और कटी बोलना है तो बात ही खत्म हो गई। अभी मेरी कुछ अर्सा पहले एक हमारे शोबिज से हैं, बहुत सीनियर हैं, लंदन में रहते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि फिल्म एक शूट हो रही थी लंदन में, तो हमारे कराची से एक आर्टिस्ट गए हुए थे, कुलीक है हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्होंने उधर ड्यूरिंग द शूट, उनको लंदन में पूरा क्रू खड़ा है, लोग आए हुए हैं शूटिंग देखने के लिए सब, तो कहते मैंने उसको बोला कि ओके एक्शन या कुछ जाओ सीन करो, तो उसके ऊपर से उस लड़के ने, उस आर्टिस्ट ने उनको वहाँ पे शटअप कॉल दी कि वाई मैं ऐसे क्यों करूँ, उन्होंने कहा क्यों मैं तुम्हें कह, उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं, आपको डायरेक्शन ही नहीं आती, तो उन्होंने मुझे बोला सुहेल मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई सबके सामने, तो मुझे बताएं मेरा दिल करेगा कल को इन लोगों के साथ काम करने के लिए, या मैं सबको लंदन बुलाऊँ इतने खर्चे करूँ, अगर ऐसे बिहेवियर होंगे तो लोग भी काम नहीं करेंगे। एग्रीड, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि मसला सारा ये है कि काम किसी को नहीं आता, अपने काम के अलावा सारा काम आता है, जो आपने खुद करना है ना वो काम नहीं आता, दूसरे ने क्या करना है वो सारा। हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी डायरेक्टर्स के सामने कुछ बोलने की जो उन्होंने कह दिया, और आज तक जो डायरेक्टर कह रहा है सेट पे वही ठीक है, ऐसा ही है, चाहे वो गलत हो कुछ भी हो हम नहीं बोल सकते, लेकिन खैर, मगर अभी वक्त चेंज हुआ है, चीजें चेंज, चीजें चेंज। अच्छा कमल, ये बताएं सबके कोई ना कोई फेवरेट होते हैं, बिल्कुल, आपका अपने अलावा कौन है, मेल फीमेल? आप फीमेल ही है ना, मेरे देखे तो आपके अलावा कौन है? मुझे सानिया सईद बेइंतहा पसंद, मेरी भी फेवरेट है, मुझे सवेरा नदीम बेइंतहा पसंद है, मुझे नादिया जमील बेइंतहा पसंद है, नो डाउट, बहुत बड़े नाम, मुझे बद्दू आपा बहुत पसंद है, मुझे मतलब ये लोग बहुत पसंद है, मारिया वास्ती, जवेरी अब्बासी, पुराने मंझे हुए लोग, हाँ मुझे ये लोग बहुत पसंद, ये वो हैं जिन्होंने पीटीवी की मारे खाई, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, और ये वो एक्टर्स हैं कि जिनको आज भी आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो आप हिल नहीं सकते, आप बैठ जाते हो, हाँ। उनका हर सीन, हर एक्ट, ड्रामा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्जेक्टली वो स्कूल है, आप उनसे सीखते हैं, इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे लिए एक मतलब दरसगाह है, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, कोई समझे तो, कोई सीखना चाहे तो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बताइए कमल, स्टार्ट में आप भी उसको बता चुकी हैं कि आपका छोटा बेबी है, हाँ। शादी कब हुई? शादी मेरी 2016 में। कैसे हुई? लव मैरिज है मेरी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, ये सीन था? ये मैंने किया था। अच्छा, सीरियसली? ये मैंने किया था, मैंने प्रपोज किया था, और वो भी शोबिज से ही है, तो हमारी ऐसे ही रैंडम एक जगह मुलाकात हुई थी और मुझे पसंद आए, तो मैंने इजहार किया डायरेक्टली। अच्छा, आपने किया? जी, मैंने इजहार किया। व्यूअर्स बहुत कम होता है कि इस तरह बैठ के कोई स्क्रीन के ऊपर कह के मैंने इजहार किया, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, नहीं है, बुरी बात लोग करते हैं, मगर आप एक अच्छी नीयत से कोई चीज करने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो एक्चुअली उन्होंने लड़कियों वाला रिप्लाई किया, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। अच्छा, उल्टा हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन फिर फाइनली हो गया सब। उन्होंने देखा होगा ना, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इतनी बड़ी होस्ट है, इतनी बड़ी जॉब पे भी है, तो मैं कुछ देख के जवाब दूं। नहीं, उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी ना। अच्छा। उस टाइम तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही करती थी, जॉब मैंने शादी के बाद की है। ओके। हाँ, जॉब मैंने शादी के बाद की है, और लेकिन उनका नाम जो है ना मेरे नाम से बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, माशाल्लाह। उनके क्योंकि फादर मदर के हिसाब से वो उनका नाम उससे बहुत ऊपर है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। हमारे व्यूअर्स को बताएं उनके पेरेंट्स के बारे में भी। उनकी जो मदर है वो दीबा बेगम है, फिल्म स्टार दीबा बेगम है,
उनके जो फादर हैं वो सैयद नईम रिजवी हैं, कैमरामैन, फिल्म्स के कैमरामैन हैं, डीओपी हैं एक्चुअली, जिन्होंने 350 से ऊपर फिल्म्स की। तो ऐसा नहीं हुआ उन्होंने जब घर जाके कहा मुझे इससे शादी करनी है, वो भी फील्ड की, उन्होंने कहा नहीं फील्ड की लड़की से नहीं करनी। मोस्टली होता है ना कि शोबिज में, लाजमी नहीं कि शोबिज के सभी एक दूसरे से शादी कर लें, शोबिज में रह के भी लोग अवॉइड करते, नहीं यार बाहर शादी करनी है, घर वाले नहीं मानेंगे ये, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी नंद भी यही काम करती है, फिर मेरा नंदोई भी यही काम करते हैं, फिर नंदोई के फादर भी यही काम करते हैं, तो मेरा जो ससुराल है आपको फोन करके कहा था, इवन मैंने मदिया को भी एक दफा मैसेज किया, मैंने उनको बोला कि जी मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, सलाम जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल ऐसे आपको भी, मुझे बिल्कुल याद है। मेरा ख्याल है हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमें उनसे सीखना भी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब ये क्या होता है, मैंने ये भी देखा कि सम टाइम इंसान अपने एक नखरे में रह जाता है, अगर आप किसी सीनियर से कोई गाइडेंस मांगो, कुछ पूछो, तो वो आपको बड़ा अच्छा ट्रीट भी करते, बताते भी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल अगर आप अच्छा काम करें या मेरा जूनियर भी कोई अच्छा काम करे, सीनियर भी करे, तो मैं, मेरी एक आदत है कि मैं फ़ोन करके ना, अगर मैंने किसी का काम देखा है तो मैं फ़ोन करके ज़रूर बोलती हूँ कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। बोलना चाहिए, क्योंकि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे यहाँ तो लोग ये कर देते हैं, मैंने आपको नहीं देखा, मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप जान के ये जान कर, और मुझे समझ आता है इससे कौन सा प्लेजर मिलता है, ये कौन सी तस्कीन की बात है। अच्छा वो पब्लिक में जाए ना कभी, तो लोग यूं देख रहे होते हैं। मिलना भी चाहेंगे आपसे, आपको अवॉइड भी करेंगे, वो पता नहीं भाई कुछ नहीं कहेगी, कमल जाके मिल लो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिर बिहेवियर्स काउंट्स ना। सो ट्रू, सो ट्रू, बिहेवियर बहुत काउंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस फील्ड में आप मतलब आई और खुद स्ट्रगल किया और ये सब कुछ किया, आपको कभी किसी की मतलब सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ने आपको भेजा हो फील्ड में आपके लिए, बोला हो ये वो, आपने खुद ही काम? मैं खुद इंडिविजुअल, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, किसी लॉबी का नहीं, और मैं बनना भी नहीं चाहती। अच्छी बात। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिविजुअल इतना काम किया है, लिमिटेड होके रह जाते हो फिर आप। हाँ, और लिमिटेड के अलावा लॉबी का हिस्सा बनना क्यों है, सब दोस्त हैं, सब कोलीग्स हैं, सबके साथ आपकी अच्छी सलाम दो। आप यकीन करो मुझे इतना ये नाम मैंने सुन लिया व्यूअर्स कि मुझे ना इस नाम से ही नफरत होगी, लॉबी। होटल की लॉबी से गुजरते ही बंदा कहता है ये लॉबी में ही, मैं इस लॉबी का हिस्सा हूँ। कमल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम आपसे और गपशप करेंगे। व्यूअर्स आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी व्यूअर्स, मजा आ रहा है आपको कमल की नरम गरम बातें सुन के। अभी फिर बात करते हैं, वैसे कमल आप कह रही थी लॉबी, मैं तो कहता हूँ यार ये लॉबी वॉबी ये सब खत्म होना चाहिए, सबको अच्छे से काम करना चाहिए, सबको काम देना चाहिए ताकि सब चलते रहे। सारी बातों की एक बात बोलूं, हमारी इंडस्ट्री में ना नसीब बहुत बड़ा फैक्टर है। नसीब चलता है वो ठीक है, लॉबी वगैरह है सब कुछ है, इन द एंड नसीब के ऊपर आके बात खत्म हो जाती है। लक बहुत काउंट करती है हमारी फील्ड में, लक के ऊपर तो बात ही खत्म है। ऐसा ही है, बस ये वाला गेम है। तो ये बताएं आप, इतना काम कर लिया माशाल्लाह, पढ़ाई कर ली, ड्रामों में आ गए, फेमस हो गए, पैसा भी दे दिया, फेम भी आ गया, शादी हो गई, सब कहीं कोई रिग्रेट यार ये कर लेता ये हो जाता ऐसे हो जाता, हम लोग हैं ना इंसान है सोचते हैं, तो आपने भी कभी इस स्टेज पे आके सोचा नहीं यार अभी बहुत कुछ करना है, या ओके डन बस इससे आगे नहीं? बहुत तेज हैं आप, पता है आपके साथ बैठा हूं तो तेजी तो आ ही जाएगी ना। अच्छा नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई रिग्रेट नहीं है मुझे लाइफ में। हाँ नहीं है तो बता दें ना, कोई नहीं है, कैमरे के सामने नहीं बता रही, मैं फिर पूछ रहा हूँ बता दें। नहीं सच्ची नहीं। चले अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है कि आप अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी है जो भी है बस ठीक है, अब तो जो होना था जो गुजरनी थी गुजर गई, सोच के क्या करने हैं। सबके साथ ही होता है, शादी हो जाती है, हमारी भी हो गई आपकी भी हो गई। सही बात है। आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या आपके? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ जिसका नाम है फैशनेट के नाम से, मैं अपना काम करती हूँ, मैं उसी के नाम से अपनी ज्वेलरी लेकर आ रही हूँ फैशनेट चार्म्स के नाम से, तो ये भी उसी का एक हिस्सा। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे जरूर व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से इन्होंने एक काम को पकड़ा और इतने मैसेज फॉरवर्ड मैसेज इनके आते हैं, इतनी प्रोडक्ट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, और आज माशाल्लाह
माशाल्लाह कमल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऑनलाइन अपना बिजनेस के बारे में बताएं ना। ऑनलाइन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन सभी कुछ है, जेंट्स लेडीज बच्चों का सभी कुछ होता है, मैं ऑनलाइन बिल्कुल काम करती हूँ। उसके अलावा लेकिन जो मैं अपना पर्सनल लेकर आ रही हूँ वो मेरी ये ज्वेलरी का काम है, वो मेरा अपना ब्रांड है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फैशनिस्टा के नाम से, फैशनेट चार्म्स के नाम, फैशनेट के नाम से, फैशनेट चार्म्स, ये ज्वेलरी का मेरा अलग है, और फैशनेट से मैं अपना ऑनलाइन बाकी सारा काम वगैरह करती हूँ। तो ये वाली मेरी चीज़ें हैं सारी। तो इसमें आपको कैसे आपने स्टार्ट लिया? हो सकता है बहुत से हमारे लोग हों जो घरों में बहनें बेटियां देख रही हैं टीवी, उनको कुछ काम करना हो तो आपसे ये नॉलेज मिले उन्हें, वो भी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, मेरी दोस्त मेकअप ओरिजिनल मेकअप का काम करती थी। ओके। और उसके अपने पूरे पूरे कंटेनर्स आते थे, चीज़ें वीज़ें वो मंगवाया करती थी बाहर वगैरह से, तो मैंने उसके साथ मिलकर स्टार्ट किया था। हम दोनों ने स्टार्ट किया था, चीज़ें वीज़ें की थी, और उसके बाद फिर ये चेन बनती चली गई, और अब फाइनली मैं बहुत सारी चीज़ों पर आ गई। मैंने ये स्टार्ट किया था 2017 से, मेकअप का तो मैंने स्टार्ट किया था। ओके। फिर बाकी बाद में मैं चीज़ें करती गई, फिर इस तरह से हुआ। तो इसमें आप मतलब अभी भी कोई पार्टनर हैं आपके साथ? नहीं, अब मैं इंडिविजुअल करती हूँ, अब मेरा कोई पार्टनर नहीं है, अब मेरा इंडिविजुअल है। तो कैसा रिस्पांस रहा आपको? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस। आपने कोई अपना आउटलेट वगैरह बनाने का नहीं अभी सोचा? नहीं, अभी मेरा इंस्टा का पेज है, मेरा फेसबुक का पेज है, उसके अलावा मैं मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे करती हूँ, और मेरी अपनी वेबसाइट रेडी हो रही है, मैं वेबसाइट पे वर्किंग चल रही है मेरी, और अब जो ये मैं ज्वेलरी लेकर आ रही हूँ उसको मैं प्रॉपर एक डिफरेंट तरीके से लॉन्च करने जा रही हूँ, तो अभी मैं उसी की प्लानिंग में हूँ सारा। चलो गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारी नेक तमन्नाएं सारी कमल के साथ हैं, अल्लाह मियां इनको कामयाब करें। और ये कहने की बात नहीं है, मेरा जितने अरसे से इनसे ताल्लुक़ है, बात होती है, मिलना मिलाना होता है, बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं। यहाँ जवाब भी जैसे देख रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। कमल, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहें फील्ड से रिलेटेड, जो लड़कियाँ जो बच्चे आप लोगों को आइडियलाइज करते हैं और वो भी कहते हैं ओके मुझे भी कमल बनना है, ठीक है, किसी के जहन में कोई होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? इस फील्ड में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं आना चाहिए? देखिए मेरी तरफ मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल आना चाहिए, आप आएं, लेकिन मैं जो अपनी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो आना चाहता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसको प्रोफेशन ना समझे। कंप्लीट आपका प्रोफेशन ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, इसको पार्ट टाइम रखें, और आपका जो फ्रंट बिजनेस या आपका जो मेन काम हो वो कोई और होना चाहिए। बिल्कुल करें लेकिन शौक के तौर पे करें, और आप पढ़ाई जरूर अपनी, जैसे होता है ना बहुत यंग एज में बच्चों को शौक होता है वो काम करना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल काम करें लेकिन अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू करें, पढ़ाई ना छोड़ें कभी भी। बिल्कुल, पढ़ाई के बाद बिकॉज होता क्या है कि सुहेल आपको जब एक दफा पैसे कमाने की आदत हो जाती है ना, पैसे आ रहे होते हैं यंग एज के अंदर, तो वो एक बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, फिर आपका हो जाती है। बहुत चीजें डिस्टर्ब है, आप कहते हैं पैसे आ तो रहे हैं, चीजें हो तो रही हैं, बट लॉन्ग टर्म नहीं होता। और शोबिज़ का तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं है, यू नेवर नो कितना अरसा आप काम कर सकेंगे और कितना नहीं कर सकेंगे, ये सब डिपेंड करता है एक आपके नसीब पे और फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी। तो बेटर आप अपना प्रोफेशन कोई और रखें और इसको शौक रखें। ठीक है, और कुछ आपकी तरफ से मुफीद मशवरा? नहीं, इतना ही कहा। जी व्यूअर्स सुन रहे हैं आप, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है जी, पढ़ाई को बिल्कुल कंप्लीट करें, उसके बाद जिस भी प्रोफेशन में इंसान का हो उसको ट्राई करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मुझे भी कोई अगर एक्टिंग के बारे में पूछता है तो मैं उसे ये ज़रूर कहता हूँ कि यार अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लो फिर आ जाओ, मना हम इसलिए नहीं कर सकते, जो काम हम खुद कर रहे हैं हम किसी को कैसे मना करें? आए और खुद एक्सपीरियंस करें और सीख जाए, खुद जज बन जाए। हाँ, खुद ही सीख, बिकॉज होता क्या है आप आजकल अगर किसी को समझाते भी हैं ना तो वो ये सोचता है कि इन्हें पता ही कुछ नहीं है, ये लोग तो पुराने हैं। वही जो आप समझाना हाँ। चाह रही हैं अभी नहीं समझ आएगी, जब ये खुद जाएंगे नहीं समझ आएगी, सब समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो जाती है ना, मसला ये टाइम निकल जाता है। हाँ, टाइम निकल जाता है। तो ये ठीक है कि बंदा इसको साइड पे रखे, शौक पूरा करता रहे, मगर मैंने ये भी सुना है के सीनियर से एक दो जगह डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा जब तक आप इसको अपना ब्रेड एंड बटर नहीं बनाते आप सक्सेसफुल भी नहीं होते। ब्रेड एंड बटर तो नहीं बना सकते, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इस काम के ऊपर अपनी लाइफ को नहीं रिलाय कर सकते, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। होंगे सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं
मैं सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर इसको नहीं बना सकती लाइफ में। लग्जरी वुमन नहीं, इतना बहुत एक्सपेंसिव नहीं, बेसिक्स भी आपके आजकल कहाँ सुहेल। आज तो दाल खाने बैठो कहीं होटल पे तो आपका 300-400 रुपया लग जाता है। सही बात है, ये तो मतलब नो डाउट चीजें कहाँ से कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई। और आपको पता है हमारा काम ऐसे कभी है तो बहुत सारा है और कभी नहीं है तो नहीं। तो आर्टिस्ट की प्राइसेस भी बढ़ी हैं? नहीं, वो नहीं बढ़ती, वो किसी जमाने नहीं बढ़ेंगी। घी बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, 19-20 हो जाएंगी। या शायद ये कह दिया आप देखिए महंगाई कितनी है, मगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने कपड़े बेच के कह रहे हैं मैं आटा पूरा करूंगा, तो आपको तो होपफुल होना चाहिए ना, हम सबको इन्फेक्ट होना चाहिए। सही बात है, मैं तो इतनी नॉन पॉलिटिकल औरत हूं, मुझे कुछ ही नहीं पता। सही बात, मैं तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हूं। मैं तो कहता हूं कमल, कोई भी गवर्नमेंट आए, नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी पार्टी हो, इमरान खान साहब हो, जो भी आए, एक्स वाई जेड, पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, आवाम को ना थोड़ा सुकून दे, सुकून मिले। जो गरीब आदमी है वो बेचारा बस किस मुश्किल में है। सो ट्रू, क्या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेचारे सफेद पोश होंगे, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते होंगे, और वो किस तरह से गुजारे कर रहे होंगे हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे ख्याल है हमें इस पे भी काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हमें मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें देखना चाहिए अगर हमारे इर्द गिर्द कोई कमजोर है, उसका बाजू बनना चाहिए, उसको साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कमल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, आपने टाइम दिया। कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करना चाहें, या कोई अच्छा सा शेर ही सुना के जाना चाहें, या गाना गुनगुनाना चाहें, तो प्लीज। नहीं, इतना स्टेज आपके पास है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है गाना गुनगुनाने का। मैं सिर्फ ये कहूंगी, आजकल के दौर में अपने काम से काम रखें, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको छोड़ दें, आप जो कर रहे हैं आप अपना करें, दूसरों को खुश रहने दें, दूसरों की ज़िंदगी में तकलीफ़ का मतलब तकलीफ़ का रीज़न ना बने। तो खुश रहें और रहने दें, बस मेरा एक ही हमेशा से मैसेज होता है कि दूसरों के पंगे में टांगना ना है। नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता ना। ये मसला है ना, तो इसलिए मैं ये मैसेज यही देती रहती हूँ कि भाई खुश रहें और खुश रहने दें। ऐसा ही है, बस बस बस, दैट्स इट, लॉक कर दे, लॉक करते हैं। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आपने सुना कमल की मजे की बातें, बहुत से लोग इनको आइडियलाइज करते हैं, बहुत सी लड़कियां, बच्चे देखना चाहते हैं कि कमल को क्या पसंद है, कमल कैसे लाइफ गुजारती हैं। तो आज कमल ने अपनी ज़बानी खुद अपनी कहानी सुनाई, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह मिलेंगे किसी और स्टार के साथ, उनसे भी गपशप लगाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।